ठीक है, तो कोड जो है आपका इसका RC7552 है, मिनी प्रोजेक्ट जो आपका इंटरनल 50 और एक्सटर्नल 50, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, अभी फिलहाल आपके कितने मिनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं? दो चल रहे हैं सर। दो चल रहे हैं, ठीक है। ये है आपका सिलेबस, मिनी प्रोजेक्ट ये नहीं है सॉरी, ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको स्टूडेंट विल आस्क टू वर्क अपॉन मिनिमम फोर फॉलोइंग टॉपिक, यानी 8 टॉपिक दिए हैं, इसमें से 4 आपको मिनिमम करने ही हैं। जिसमें से जो जो मैं करा रहा हूँ वो है आपका 6th पॉइंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ए G+5 रेजिडेंशियल बिल्डिंग यूजिंग स्ट्रक्चर डिजाइन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर लाइक स्टैट प्रो, स्टड, सैप, ईटैप, स्ट्रैप। देखो टॉपिक बहुत अच्छा है ये, आपका मिनी प्रोजेक्ट के साथ साथ आपका ये जॉब के स्कोप से भी अच्छा टॉपिक है कि आप एक डिजाइन करना बिल्डिंग को सीख जाओगे सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें एनालिसिस ऑफ G+5 को 4 सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, एक स्टैट प्रो, स्टड, सैप, ई टैब और स्टेप 5, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को डिजाइन और एनालिसिस करने के लिए। सबसे जो फेमस है वो 2 सॉफ्टवेयर है, एक है आपका ई टैब, एक है स्टैट प्रो। बता चुका हूँ मैं पहले कि ई टैप जो है वो टॉल बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो है वो ई टैप से ही आपकी डिजाइन की गई है। ई टैप में बिल्डिंग के अलावा कोई और स्ट्रक्चर डिजाइन ही नहीं कर सकते, स्टैट प्रो में कर सकते हैं। स्टैट प्रो में बिल्डिंग, ब्रिज, आपका ट्रस, स्लैब, फाउंडेशन, कोई फैक्ट्री, कोई टावर, ये सब डिजाइन कर सकते हो। बट जो ई टैब है वो स्पेशली बिल्डिंग के लिए है। बिल्डिंग में भी आप स्लैब डिजाइन नहीं कर सकते, उसमें स्लैब को भी एनालाइज कर सकते हो। बिल्डिंग में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल तो डिजाइन होती नहीं है, वॉल का तो लोड लेते हैं। ये तो 3 कंपोनेंट है मेन, और फूटिंग हो गई। अब फूटिंग भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्लैब भी इसमें डिजाइन नहीं होती, कॉलम और बीम होते हैं इसमें डिजाइन। ठीक है, और मेन जो डिजाइन करना होता है ना किसी बिल्डिंग में, कॉलम और बीम ही डिजाइन करना होता है। स्लैब में भी कुछ नहीं है डिजाइन करने में, फुटिंग में भी कुछ नहीं होता, फुटिंग डिपेंड अपॉन सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो मेन है किसी बिल्डिंग का कॉलम और बीम डिजाइन करना है। कॉलम बीम अगर आपके सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो सब चीज स्ट्रॉन्ग है। फाउंडेशन एक अलग पार्ट आता है कि फाउंडेशन वीक है तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, फाउंडेशन अलग पार्ट है, उसका रिलेशन सॉइल के साथ है। लेकिन एक बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है कॉलम और बीम को डिजाइन करना है। तो ई टाइप में इसलिए मेनली कॉलम और बीम डिजाइन होते हैं, और मेनली बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन ई टैब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ऑनलाइन क्लास में हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम पायरेट या क्रैक करके चलाएं। ठीक है, इसलिए स्टैट प्रो हमारे पास है, जो मैं की दूंगा वो हमारे कॉलेज ने खरीदा हुआ है, वो की स्टूडेंट के लिए है, वो की से आप एक्टिवेट कर लोगे तो स्टैट प्रो इजिली मिल भी जाएगा। ठीक है, और ईजी भी है। सबसे पहले आपको स्टैट प्रो सीखना चाहिए, उसके बाद ई टैब सीखना चाहिए। ठीक है, स्टेप वही होंगे जो स्टैट प्रो में है, जो ई टैब में टूल्स अलग हैं थोड़े से। तो डिजाइन और एनालिसिस करना है हमने G+5 बिल्डिंग। अब एक G+5 बिल्डिंग सॉफ्टवेयर से डिजाइन करनी है तो आपके पास एक चीज तो होनी चाहिए, आपकी बिल्डिंग का प्लान। प्लान यानी कि टॉप व्यू। अगर मैं बोलूं मेरे घर में एक ही रूम है तो एक रूम का प्लान कैसे होगा? ये रहा एक रूम, ये प्लान हो गया, यहाँ पे इसका डोर है, यहाँ पे विंडो है, ये डोर है, ये हो गया एक, यहाँ कॉलम है, चार चार कॉलम पे खड़ा हुआ है मेरा एक एक रूम का मकान, ये प्लान हो गया। तो किसी भी बिल्डिंग में 2 रूम है, 3 रूम है, किचन है, स्टेयर है, तो इस तरह से आप टॉप व्यू जो होता है बिल्डिंग का वो प्लान बन जाता है। तो आपको सबको नेट पे रिसर्च करके या फिर अपने घर का आप देख लो, एक प्लान आपको ऑटो कैड पे ड्रॉ करना है। ठीक है, G+5 के लिए 2 रूम हो, 3 रूम हो, किचन हो, आपका कुछ भी हो, उसमें आप सबका अपना अपना एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, और उस प्लान को कैसे आपको डिजाइन और एनालिसिस करना है वो सारा मैं ऑनलाइन क्लास से बता ही दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड पे करना है? ऑटो कैड में बहुत सिंपल बेसिक लाइन कमांड से आपको बनाना है। अच्छा ठीक है, हाँ बन जाए। हाँ, अगर बिल्कुल ही किसी का ना कभी टच किया हो ऑटो कैड, वैसे तो किया होगा सेकंड ईयर में, लाइन डायग्राम ही तो बनानी है। एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक है प्लान के अकॉर्डिंग लाइन खींचते जाओ उतने डिस्टेंस डाल के, है ना? बहुत सिंपल बनता है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मैं दिखा देता हूँ, गूगल पे सर्च करके बिल्डिंग प्लान, यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो,
दो तरह की चीजें होती है, देखो एक तो होती है आर्किटेक्चर ड्राइंग, ये वाली जो ड्राइंग है ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, इसमें सारा सोफा वोफा सब कुछ रखा हुआ है 3D, ऐसा नहीं चाहिए होता है। ये होती है आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग, इस तरह की ड्राइंग चाहिए। इसमें भी बहुत सिंपल कर दूं मैं, हाँ सिंपल नहीं इतना ही होता है, इतनी तो डिटेल चाहिए होती है। ये होती है आप किस तरह से ड्राइंग बनानी है, हर बीम को डबल लाइन में शो करना है, कहाँ पे डोर है वहां पे डोर दिखाना है, डायमेंशंस दिखानी है। और दिखा देता हूँ, ये है आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये ड्राइंग होगी, इसी ड्राइंग को देख के हम स्टैट फ्रेम बनाएंगे। हाँ बताओ, आर्किटेक्चर ड्राइंग इस तरह की होती है, उसमें ज्यादा डिटेल होती है, ठीक है। उसमें ये भी दिया होगा कि प्लम्बरिंग कहाँ की गई है, सोफा कहाँ रखा जाएगा, किचन में चीजें कहाँ पे है, वाटर टैंक कहाँ रखा जाएगा, आउटलेट कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है, विंडो कैसे ओपन होगी, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को किससे मतलब है, उसके स्ट्रक्चर से, कॉलम बीम स्लैब इन चीजों से मतलब है, वही उसको डिजाइन करनी है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग को कन्वर्ट किया जा सकता है स्ट्रक्चर ड्राइंग में, उसकी डिटेल को कम कर दो। अब तुम इसको देखोगे इसमें क्या डिटेल है, इसमें बहुत कम डिटेल है, कॉलम बीम ओपनिंग ये दिया हुआ, ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है। और अगर मैं ऊपर लिखूं आर्किटेक्चर बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्चर लिखोगे तो 3D आता है, तो 3D तो बात ही नहीं करते हम, 2D की बात करते हैं। तो ऐसे इस तरीके का देखो, ये जो है आपका, ये आपका आर्किटेक्चर, इसमें दिखाया हुआ है ये कॉरिडोर है, ये ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है, ये हॉल है, यहाँ पे डेस्क रखी हुई है, क्लासरूम है। डिटेल बहुत ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा डिटेल हो सकती है, अभी ड्रॉइंग मिल नहीं रही मुझे, जैसे ये है ना। लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉइंग होगी उसमें केवल कॉलम बीम स्टेयर कहाँ पे है, स्लैब कहाँ पे है, बस इतनी डिटेल होगी कम से कम। तो आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग बनानी है अपने हिसाब से, अपने रूम से, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सबका अलग होना चाहिए, ठीक है। G+5 के लिए गूगल पर सर्च कर लो G+5, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ G+5 बिल्डिंग प्लान, ये बहुत सारे प्लान आ गए G+5 के, ये आ गए एक जैसे बनाया हुआ, सेम आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, WV विंडो ये लिख लो, ये आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो रही है कहीं रिपोर्ट में लगाना है तो लिख लो, लेकिन जब आप स्टैट प्रो यूज करोगे तब ये सब नहीं लिखा हुआ, नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट स्टेप है प्लान आपको डिसाइड कर लेना है। सेकेंड चीज है, थोड़ा सा मैं ना शेयर PPT पे मैंने कुछ PPT ढूंढी है, इसमें इंट्रोडक्शन है स्टैट प्रो का, ठीक है। हम इनका नाम ले लेते हैं भाई, किसी का मटेरियल यूज करें तो, ये सकीना फेज है एक, इनकी PPT हम यूज करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए। एक है आपका सुलाय राजा, इनकी PPT यूज करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक समझ लो बस, जिसने स्टैट प्रो छुआ नहीं है। स्टैट प्रो एक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर है। आपको कोई बिल्डिंग एनालिसिस का मतलब होता है एक्सटर्नल लोड की वजह से उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना, यानी कि अगर किसी बीम के ऊपर आप खड़े हो तो आप हो गए लोड, और आपकी वजह से उसमें कितना डिफ्लेक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वो हो गया रिस्पॉन्स। तो उसी को बोलते हैं एनालिसिस करना, और आपके लोड को बेयर कर सके, कोलैप्स ना हो, उसका साइज क्या होगा, उसको बोलते हैं डिजाइन करना, ठीक है। तो ये हम स्टैट प्रो में कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्टैट प्रो, ये जो था ना आपका रिसर्च इंजीनियरिंग इंटरनेशनल योरबा लिंडा सी, इन्होंने डिजाइन किया था, बाद में इनसे बेंटली ने खरीद लिया 2005 में, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, असेंबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करूँ कि स्ट्रक्चर की, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, ठीक है। इनको सबको असेंबल करोगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जानने वाली चीज ये है कि ये पूछा जाता है कि जब आप स्टैट प्रो ओपन करोगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, ट्रस्ट तो आपको पता है, ट्रस्ट इस तरह के मेंबर्स होते हैं, प्लेन 2D, स्पेस 3D, फ्लोर का मतलब होता है स्लैब। ये स्ट्रक्चर इसका स्टैट प्रो का इंटरफेस है। यहाँ पे जो रिसेंट काम किया गया वो आएगा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट और लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हेल्प टॉपिक है, और यहाँ पे आपका IS कोड सेलेक्ट करना होगा जो हमें इंडियन सेलेक्ट करना है। यहीं से हमें पता चलेगा कि हमारा स्टैट प्रो एक्टिवेट है या नहीं है। ये टूल बार है, ये मेनू बार है ऊपर वाली स्ट्रिप, यहाँ पे पेज कंट्रोल है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे विंडो है जहाँ पे आप 3D मॉडल बनाओगे, ठीक है। ये सब तो मैं जब स्टैट प्रो ऑन करूंगा तब समझा दूंगा, और कुछ नहीं है इसमें। अब इनकी PPT में देख लेते हैं क्या है, कुछ नया। इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है,
स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम वी फॉर वर्जन 8.4.2008, आई फॉर इंटरेक्टिव, एस एस फॉर सिलेक्ट सीरीज 6 चल रहा है अभी, ये 4 की बात हो रही है यहाँ पे, अभी 6 आ गया है। तो 6 में तो सेस्मिक लोड चलता भी नहीं है। नहीं चलता है, मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है नहीं ट्राई करूंगा तो बता दूंगा। मैं ट्राई कराया ना, उसमें चलता ही नहीं है। अच्छा, ये आपका एक स्ट्रक्चर, इसमें एलिमेंट्स है स्लैब बीम कॉलम फुटिंग स्टेज के, ये सब तो आप जानते ही हो। इसमें मेन चीज क्या है आपको, आई एस कोड्स, ये आपको कौन कौन से कोड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो रिनफोर्स कैट सेंटर भी लिखा हुआ है भाई, इनको भी प्रमोट कर दो कैट सेंटर वालों की। आई एस 456 रिनफोर्स कंक्रीट डिजाइन के लिए ये आपको पता होना चाहिए। इसकी गाइडलाइन की हेल्प से ही हम स्ट्रक्चर को जो G+5 RCC बिल्डिंग है डिजाइन करेंगे। IS 800 वो स्टील डिजाइन के लिए, तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, हम स्टील डिजाइन तो कर नहीं रहे हैं। ट्रांसमिशन टावर IS 802 इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं। डेड लोड हम यूज करेंगे, बिल्डिंग में डेड लोड तो होगा, लाइव लोड भी होगा, विंड लोड भी होगा, स्नो लोड नहीं होगा, क्योंकि हम NCR के लिए बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, NCR में स्नो तो पड़ती नहीं है। IS 875 स्पेशल लोड भी नहीं है अभी हम कोई कंसिडर करेंगे, और ब्रिज तो हम कर ही नहीं रहे हैं तो ये भी नहीं करेंगे। तो इस स्लाइड में चार कोड आपको आपके पास होने चाहिए, IS 456, IS 875 डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, चार आपको पास कोड होने चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि G+5 बिल्डिंग है, G+5 एक टॉल बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, वो कंसिडर किया, उस पर अप्लाई होगा आपका अर्थक्वेक फोर्स भी। तो अर्थक्वेक के लिए हम IS 81890 2002 रिवाइज हो चुका है, 2002 आ चुका है, ठीक है। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है जनरल प्रोविजन फॉर बिल्डिंग, ये हम यूज करेंगे, और ये सारा कोई हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे चार कोड तो अभी मैंने बताया, और एक कोड ये हो गया आपका अर्थक्वेक के लिए पार्ट वन IS 1893 2002, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, इसको आप क्लोज कर देते हैं। और अब ये है स्टैट प्रो, ये मैंने फाइल भेजी है आपको, ये वाली जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। इसको राइट क्लिक करके अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, कहाँ गया, क्या हो गया ये, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने ओपन किया यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले आपको IEG अगर फोल्डर गिवन है, ये IEG, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, IEG लाइसेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, कुछ भी सेटिंग कुछ नहीं करना, बस फिनिश। बैक जाना है, फिर जो स्टैट प्रो का आपका V8 है आई है, इस वाले को मत करना, इसको करना नीचे वाले को, इस पर डबल क्लिक किया, और यहाँ पे जो सेटअप वाला है आपका, इस पर डबल क्लिक, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते जाना है। फिनिश, ठीक है। क्रैक व्रैक नहीं करना है आपको, की दे दूंगा मैं अभी, केवल मैं प्ले करके इसको ऑन करके देखता हूँ कि चला या नहीं चला। डेस्कटॉप पे आइकन तो नहीं आया है इसका। 5 दिन के लिए मेरे पास ट्रायल वर्जन चल गया है, कोई बात नहीं, इसको बाद में मैं लाइसेंस की कर लूंगा। मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है आपको, लाइसेंस ना वो की मैंने भेजा हुआ है, मेल पे है ये, अभी देखता हूँ मैं, ऑन हो जाता है तो करता हूँ, एक्टिवेट करके देखता हूँ। दरअसल मैं अभी एक्टिवेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो ना अपलोड होगी यूट्यूब पे, और अगर मैं स्टैट प्रो का की डालूंगा ना इसमें, तो वो सभी देख लेंगे, क्योंकि ये केवल आपके लोगों के लिए है, कॉलेज के बच्चों के लिए है, ठीक है। बता दूंगा की कहाँ डालना है, वहाँ आप डाल लेना, की आपको मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में, ठीक है। सर कब तक वैलिड है ये, वैलिड है आपका 4-5 साल के लिए। सर जी सारे लेक्चर कर रहे हो सर यूट्यूब पे अपलोड? हाँ मिनी प्रोजेक्ट वाले सारे कर रहा हूँ, दरअसल जो टीम्स है ना उस पर पता नहीं क्या रिमूव हो जाते हैं, कभी होते नहीं अपलोड। ये मैं एंटीवायरस अपना रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, शायद ये स्टैट प्रो को चलने नहीं दे रहा है।
चलो ये चल नहीं रहा है मेरा स्टैट प्रो, तो मैं इसको क्रैक कर लेता हूँ है ना। क्रैक की फाइल सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल यहाँ पे देखना है, बेंटली बेंटली नहीं आ रहा है यहाँ पे तो। ओके ये हुआ क्या है ना, ये इंस्टॉल हो गया मेरी हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लगी हुई है। ठीक है दोबारा से इंस्टॉल करते हैं इसको, मैं इसको निकाल ही देता हूँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को। अभी सेक्शन ए की क्लास हुई थी ना मिनी प्रोजेक्ट की, तो मैंने स्टैट प्रो इंस्टॉल किया था और क्या है कि एंटीवायरस ने सब उड़ा दिया उसको। कोई बात नहीं ये वाला देख सकते हैं, इस तरीके का सेटअप भी आ सकता है आपके पास। इंस्टॉल करना है सारी चीज इंस्टॉल होगी हो जाएगा, और हो सकता है आपके पास डॉट नेट ना हो तो डॉट नेट भी डाउनलोड होगा। सर कोई सा भी कर सकते हैं? हाँ कोई सा भी, कहीं से भी कहीं से भी कोई भी वर्जन स्टैट प्रो का डाउनलोड करो, उसको फिर लाइसेंस कर लेना। जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन की मांग रहा है ना, अभी वो की मैं जो भी दूंगा वो यहाँ पे डालनी है, आपको सर्वर नेम में कुछ नहीं डालना है। हाँ मेल की थी मैंने, शायद वो मेल फेल हो गया है, दोबारा कर दूंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे सब पे टिक लगता रहेगा, स्टैट फाउंडेशन हो रहा है, स्टैट प्रो इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि स्टैट फाउंडेशन अलग सॉफ्टवेयर आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाउंडेशन तो बिल्डिंग की डिजाइन करनी है आपको। ठीक है ये हो चुका है, देखते हैं चल जाए पाँच दिन के लिए भी चल जाए, चलो चल गया। ठीक है बाद में से एक्टिवेट कर लेंगे। आपको ना जो मैंने अभी बताया ना, आपको इंस्टॉल करते वक्त जो की आ रही है, की पूछ रहा था, वहाँ पे की मत डालना, आप यहाँ पे जाना कॉन्फ़िगरेशन लाइसेंस मैनेजमेंट, जब ये चल जाएगा इस पे जाओगे तो ये एरर दिखाएगा, इसको ओके कर देना है, लाइसेंस चेकआउट, इसमें जाना टूल में और यहाँ पे करना प्रोडक्ट एक्टिवेशन विजार्ड। यहाँ पे जब करोगे तो पहले वाला सिलेक्ट करना और नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे सर्वर नेम पहले से डला हुआ आएगा और यहाँ पे वो की पेस्ट कर देनी है आपको। ठीक है दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि इंस्टॉल आपको कर देना है, इंस्टॉल करते वक्त जो की मांगेगा वहाँ पे की नहीं डालना है। इंस्टॉल होने के बाद स्टैट प्रो को ओपन करोगे, यहाँ पे आएगा एक लाइसेंस मैनेजमेंट ये वाला, इस पर क्लिक करोगे आप तो ये विंडो आएगी, इसमें एरर आएंगे कुछ, इसको ओके कर देना है। टूल में जाके रन प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट एक्टिवेशन विजार्ड पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन सिलेक्ट है, नेक्स्ट करोगे यहाँ पे अब सर्वर का नाम ऑटोमेटिक आएगा, केवल आपको यहाँ की पेस्ट करनी है, इंटरनेट लगा होना चाहिए, नेक्स्ट करोगे, मैंने की नहीं डाली तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है तो ये है आपका स्टैट प्रो का इंटरफेस, जिसमें मेरा इंडियन कोड पर ग्रीन टिक आ रहा है, यानी कि पांच दिन के लिए अभी एक्टिवेट है, अगर मैं की डाल दूंगा तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। यहाँ पे बीम आ रहा है बना हुआ, यानी कि मैं लास्ट बार में बीम पे काम कर चुका हूँ। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के अलावा और ओपन प्रोजेक्ट के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, टेक्निकल हेल्प में भी कुछ भी नहीं है। ओपन में कोई ओपन प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेना है, न्यू में न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है, तो मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट।
आज केवल बेसिक होगा स्टैट प्रो का, नेक्स्ट क्लास में से एक प्लान मैं अपना डिसाइड कर लूंगा, आप अपना अपना प्लान डिसाइड कर लेना, मैं पूरा उसको G+5 बिल्डिंग को डिजाइन करूंगा, ठीक है। आप भी साथ के साथ उतना उतना कर देना, बाद में इसकी एक रिपोर्ट बनेगी जो आपको सबमिट करनी होती है। तो जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे चार ऑप्शन पूछ रहा है, स्पेस यानी कि आप 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो, प्लेन यानी कि 2D स्ट्रक्चर, या फ्लोर बना रहे हो, या ट्रस बना रहे हो। तो मैं तो बना रहा हूँ स्पेस, तो मैंने स्पेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, पहले से डिफॉल्ट वो सिलेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रक्चर का नाम, तो मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। फिर पूछ रहा है सेव कहाँ करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप क्या, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे लैब में, सेव एज डेस्कटॉप कर देते थे, क्योंकि आप जब भी स्टैट प्रो पे काम करते हो और एक फाइल को सेव करते हो उसके साथ 15-20 टेम्परेरी फाइल भी सेव होती हैं। तो जैसे आप डेस्कटॉप पे एक दो बार सेव करोगे पूरा डेस्कटॉप फाइलों से भर जाएगा, उसमें एक आध फाइल डिलीट हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो एक फोल्डर बना के उसके अंदर सेव करना है। यूनिट्स में आपको मीटर और किलो न्यूटन पे काम करना है, ठीक है, यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो फिर कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है एड बीम। एड बीम का मतलब है जो आपका माउस का कर्सर है वो रेडी हो जाएगा बीम बनाने के लिए। इससे पहले मैं बीम बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, उससे पहले मैं बता दूं बीम कहते किसे हैं स्टैट प्रो में। आपको तो पता होगा कि बीम होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। वैसे अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड बीम, तो आप ये मत बोलना कि कॉलम वर्टिकल होता है और बीम हॉरिजॉन्टल होता है। इसकी लोकेशन के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता कॉलम बीम, डिपेंड होता है लोडिंग पे। कॉलम में एक्सियल लोडिंग होती है, बीम में फ्लेक्सुरल लोडिंग होती है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल मेंबर में भी लोडिंग इस तरीके से लगा दोगे वो भी एज ए रिएक्ट करेगा कॉलम की तरह, और वो डिजाइन होगा कॉलम की तरह। तो डिपेंड अपॉन लोडिंग होता है, ठीक है। तो बीम और कॉलम में ये डिफरेंस है। अब बीम स्टैट प्रो में कैसा होता है, स्टैट प्रो में जो आपको एक बीम दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लैक कलर की डॉट, ये ब्लैक पेन नहीं हो रहा है, ब्लू हो रहा है, अभी समझ लो ब्लैक कलर की एक डॉट होगी, उसमें से एक लाइन निकली होगी, फिर दूसरे एंड पे ब्लैक कलर की डॉट होगी, इसी को बोलेंगे हम मेंबर, और इसी को हम यूज कर सकते हैं एज ए बीम, यूज कर सकते हैं एज ए कॉलम। इसमें कितने नोड्स हैं, जॉइंट्स हैं, जिनको बोलते हैं स्टैट प्रो में नोड, नोड वन, और ये है नोड टू एंड टू। तो एक बीम या फिर एक कॉलम बनाने के लिए कितने जॉइंट्स चाहिए, दो, वन और टू। इनकी यूनिक आईडी भी होगी, इसको वन और टू बोल दिया हमने, और इनके बीच में जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं मेंबर। तो ये मेंबर कितना है, वन। मेंबर का भी अपने यूनिक आईडी होता है, वन से स्टार्ट होता है, और नोड्स का भी होता है, कभी भी दो नोड्स का सेम नंबर नहीं हो सकता स्टैट प्रो में। तो एक बीम बनाने के लिए नंबर ऑफ नोड चाहिए दो और नंबर ऑफ मेंबर चाहिए एक, इसी को बोलेंगे हम मेंबर। इस पूरे को हम एज ए कॉलम एज ए बीम हम यूज कर सकते हैं स्टैट प्रो में। तो अब मैंने इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एड बीम, यानी कि जब हमारा माउस का कर्सर होगा आप कहीं पर भी स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके का मेंबर बन जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया एक डॉट बन जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक मेंबर के साथ डॉट बन जाएगी, यहाँ पे क्लिक किया तो एक और बन जाएगी। इस तरीके से आप जहां जहां क्लिक करते जाओगे बीम बनता जाएगा, अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखते हो, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिनिश करते हो तो सही है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन करता हूँ एड प्लेट, एड प्लेट का मतलब होता है स्टैट प्रो में स्लैब को बोलते हैं प्लेट। तो यहाँ पे क्या बनाने के लिए माउस रेडी होगा, स्लैब। आप कहीं पर भी क्लिक करोगे क्या बन जाएगी ऑटोमेटिक, स्लैब। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है एड सॉलिड, सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड क्यूब हो गया, जैसे कि एक ऐसा क्यूब बनाना है आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो आपका माउस का कर्सर डायरेक्टली ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएगा क्लिक करने पर। उसके बाद आता है ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड का मतलब एक वो एप्लीकेशन ओपन होगी जिसमें पहले से कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर उनके जैसा है तो आप किसी एक को इम्पोर्ट करके उसकी डायमेंशंस चेंज करके तुरंत काम स्टार्ट कर सकते हो। ओपन स्टैड एडिटर, स्टैड प्रो में स्ट्रक्चर और कोई भी काम दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि माउस को यूज करके, कीबोर्ड को यूज करके आप क्लिक करके आइकन्स पे ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लोड लगा सकते हो, उसी को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितना भी हम काम करते हैं मोबाइल में,
कंप्यूटर में सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे पास कलरफुल आइकन्स होते हैं, हम क्लिक करते हैं और काम करते हैं, ड्रैग करते हैं और काम करते हैं, यही है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो स्टैट प्रो में भी आम सॉफ्टवेयर की तरह हम काम कर सकते हैं GUI यूज करके। बट इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्टैट प्रो एडिटर। एडिटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू, कमांड के थ्रू, जिसमें केवल कीबोर्ड यूज होगा, आप कमांड टाइप करोगे और आप कोई भी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लोड भी लगा सकते हो, तो वो भी चीज इसमें हो सकती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है एडिट जॉब इंफॉर्मेशन, यानी कि आप इंजीनियर की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का नाम, साइट का नाम, ये सब उसमें डालोगे। तो अभी हम सारे काम कर सकते हैं एड बीम के अंदर जाकर भी, तो जरूरत नहीं है कि आपको स्पेशली किसी पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको ही सिलेक्ट रहने दो, जब ओपन हो जाएगी विंडो आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैंने फिनिश पे क्लिक किया और ये आपका इंटरफेस आ गया स्टैट प्रो का। मेरा माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है ग्रिड के ऊपर, यानी कि मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा एक जॉइंट बनेगा, दूसरा क्लिक करूंगा एक मेंबर बन जाएगा। देखो क्लिक 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 क्लिक, ये मेंबर बने जा रहा है। ठीक है, और मैं स्कैप बटन दबाऊंगा तो ये नॉर्मल कर्सर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बनाएगा, अब कुछ नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ कर्सर हैं जो हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो उसकी मेन प्रॉपर्टी यहाँ ओपन हो जाएगी, फिर हम यहाँ से उसको एडिट और जो भी काम करना कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मॉडल हम बनाएंगे, मान लो कोई फ्रेम बनाना है, और ऑटोमेटिकली जो आ रही है हमारे सामने एक ग्रिड आ रही है, उस ग्रिड को यूज करके 10x10 की ग्रिड है, हर एक ब्लॉक 1 मीटर का है, इसको एडिट कर सकते हैं ग्रिड को कैसे भी, और हम ग्रिड की हेल्प से रेफरेंस पॉइंट लेके कोई भी मॉडल बना सकते हैं। मॉडल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो मैंने कहा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक कमांड। अब GUI में भी बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से टूल आप यूज कर सकते हो, है ना, तो इस तरीके से आप इसमें मॉडलिंग कर सकते हो। अब देखो जैसे ये ग्रिड यहाँ पे आ रही है, तो इस ग्रिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका राइट साइड में, यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ है डिफॉल्ट ग्रिड, इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो ये हट जाएगी ग्रिड, क्लिक कर दूंगा तो हट जाएगी। इसी के नीचे लिखा हुआ है एडिट, अगर मैं एडिट पे जाऊंगा तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ ग्रिड को। ग्रिड 10x10 की है तो मैं यहाँ पे देखो राइट में लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूंगा 11 हो गया, 12 हो गया, वाई में चेंज करूंगा तो वाई ये है हमारा, ये वाई है, ये एक्स है। तो जहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 11 है। और सारी चीजें क्या है, सारी चीजें बताई जाएंगी, जैसे ये ओरिजिन है हमारा 0 0 पे, इसको चेंज कर सकते हो। हमारा जो प्लेन है भी है, ये है एक्स और ये है वाई, प्लेन हमारा सिलेक्ट है एक्स वाई, और ये टिल्ट नहीं है किसी भी एक्सिस पे, तो 0 डिग्री है। तो यही सारी चीजें हैं, स्क्यू यानी कि किसी एंगल पे टिल्ट करना ग्रिड को। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब एक चीज और बता दूं मैं, अभी यहाँ पे ग्रिड टेढ़ी दिखाई दे रही है, एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि एक्स हमारा ऐसे सामने होना चाहिए था, तो इस एक्स को ऐसे कैसे लाना है, तो मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर टॉप में कुछ क्यूब बने हुए हैं येलो कलर के, तो फर्स्ट क्यूब जो है आपका, ये जो फर्स्ट क्यूब है इसका जो फर्स्ट पोर्शन है फ्रंट वाला वो येलो है, अगर मैं इस क्यूब पे क्लिक करूंगा तो हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा, यानी कि हमारा जो एक्स ऐसे जा रहा था अब वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है बैक व्यू, ये है लेफ्ट व्यू, ये है राइट व्यू, ये है टॉप व्यू, ये है बॉटम व्यू, ये है आइसोमेट्रिक व्यू, जो हमारा डिफॉल्ट अभी रहता है जिसमें हमारा एक्स टेढ़ा दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आप, ये एक्स एक्सिस टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हो आप इन क्यूब से। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ अभी किसी क्यूब पे फर्स्ट वाले पे, तो देखो ग्रिड हमारी बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लो, दो तरह के आप इस मेंबर में देखोगे कि मैंने कहा था कि एक लाइन है तो मेंबर है और दो जॉइंट्स हैं, इन सबका अपना एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर को जानना चाहता हूं उनका नंबर क्या है, तो शॉर्टकट है आपका शिफ्ट, लिख लेना शिफ्ट प्लस एन नोड नंबर, शिफ्ट प्लस एन प्रेस करोगे तो नोड नंबर शो करने लगेगा, करके देखते हैं शिफ्ट एन। तो देखो ये नोड नंबर आ गए हैं, मैंने पहले क्लिक किया था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कितने बीम्स है, बीम्स के नंबर, तो इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी,
ठीक है, तो shift plus b होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, shift plus b से बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके बीम नंबर 6 बीम है, और 6 बीम को बनाने के लिए 7 हमारे नोड्स हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ क्या सिलेक्ट होते हैं, बीम्स। तो हमारे पास दो तरह कर्सर बहुत टाइप के होते हैं, अभी दो तरह के बता रहा हूँ। एक कर्सर इस तरीके का है डिफॉल्ट जो है, जो हमारा सिलेक्ट करता है मेंबर। अगर मुझे जॉइंट डिलीट करने हैं तो उसके लिए दूसरा कर्सर है, जिस कर्सर के पास ऐसे एक नोड बना हुआ है। तो ये है नोड कर्सर, ये है आपका मेंबर कर्सर। देखो यहाँ पे है आपका, अगर मैं इसको मैग्नीफायर करूँ यहाँ पे, ये देखो नोड कर्सर। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो केवल जॉइंट सिलेक्ट होंगे रेड कलर के, और अगर मैं नॉर्मल कर्सर लेता हूँ तो हमारे अब मेंबर सिलेक्ट होंगे। सेव करने के लिए पूछेगा, यहाँ पे मेंबर सिलेक्ट होंगे आपके, देखना मेंबर सिलेक्ट हो गए। तो ये था बेसिक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मेरे पास एक प्लान होगा, और उस प्लान को बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ओलंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और किसी का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर हाँ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, क्या क्योंकि मेरे पीछे राजेश्वर ने पहले भी दी थी, सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं कैमरा ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ करो सर, आपके चैनल में चिंबल बन रही है। क्या चीज आपके चैनल में है? नहीं, मेरे चैनल में मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, कोई रीजन था, अब मैं दोबारा से डाल रहा हूँ, आज डालूंगा ये। ओके सर, सर ओके सर, वही ना इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर्स फॉर सिविल है। आपका क्या कहते हैं, इंटरनेट लगा हुआ है अभी? सर्वर डज नॉट सपोर्ट। ये कौन सा वाला स्टैट प्रो है? हो सकता है इस वर्जन को सपोर्ट ना कर रहा हो। स्टैट प्रो V8i सिलेक्ट सीरीज 4 है। यस सर। ओके ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कुछ और तरीका, देखता हूँ बताता हूँ। ठीक, एक बार आप राजेश सर को भी कोई कॉल कर सकते हो स्टैट प्रो के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने इतने सारे पीसी में इंस्टॉल किया है, तो उनको थोड़ा आइडिया है एरर्स का, अगर कोई एरर आएगा तो। ठीक है, किसी और का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर वरना लीव करते हैं क्लास को। क्या चीज? ओके ओके चलो ठीक है।